ये जनपद की दूसरी घटना है। इसके पहले विवेक गुप्ता के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया और फिर भगविंदर यादव के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया। शासन का भी निर्देश है और केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के पहले जांच हो जानी चाहिए और विषय की यथास्थिति सामने आ जानी चाहिए, उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार के मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे तो प्रेस अपना कार्य निष्पक्षता के रूप से नहीं कर पाए। हम सब पत्रकारगण भगविंदर यादव के साथ जो मुकदमा दर्ज कराया गया, भगविंदर यादव के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसका विरोध करते हैं और साथ साथ इस चीज़ की मांग करते हैं कि हमारे साथ भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न की जाए और न ही किसी पत्रकार के खिलाफ बिना जांच के, बिना उसकी बात सुने मुकदमा दर्ज कराया जाए। और यह लड़ाई अनवरत जारी रहेगी और मेरी मांग है कि जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वह मुकदमा वापस कराया जाए और निष्पक्ष के भगविंदर यादव को न्याय दिलाया जाए और इसके लिए बस्ती प्रेस अनवरत लड़ाई अपनी जारी रखेगा।